हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों से कोविड 19 को लेकर की चर्चा, सिटी टैंक का जायजा लेकर सफाई करने के लिए सिटी टैंक खाली करने के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर अंशदीप शुक्रवार सुबह सोजत उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड 19 को लेकर उपखंड स्तरीय अधिकारियों एवं व्यापारियों से चर्चा की तथा कोविड 19 की सरकारी गाइडलाइन की पालना के संबंध में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उसके बाद जिला कलेक्टर रामेलाव तालाब पहुंचे, जहां लंबे समय से शहर की सामाजिक संस्थाओं एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा सिटी टैंक को लेकर जलदाय विभाग एवं पालिका प्रशासन पर लगातार दबाव बनाने के चलते सिटी टैंक का अवलोकन किया गया तथा जलदाय विभाग के अभियंता को तालाब खाली करने के निर्देश दिए गए। हालांकि ये कार्य अगस्त में हो पाएगा, लेकिन जनमानस को भरोसा बंधा है कि अब तारीख पर तारीख जैसी समस्या शायद उत्पन्न ना होगी। ज्ञातव्य है कि विगत कुछ वर्षों से सोजत की सामाजिक संस्थाओं, सोजत सेवा मंडल, वरिष्ठ नागरिक समिति, अभिनव कला मंच, मेहंदी दलाल एसोसिएशन, रोशनी फाउंडेशन, भारत विकास परिषद, सेवा भारती, पेंशनर समाज, एक पहल आपकी सेवा द्वारा लगातार सोजत के सिटी टैंक तालाब में घातक केमिकल्स युक्त वेस्ट कार्बनिक कचरे के चलते पीलिया, उल्टी, दस्त, चर्म रोग, पेट दर्द, कैंसर आदि रोगों की संभावना के चलते बार बार प्रशासन को अवगत करवाया जाता रहा है, परंतु हर बार जलदाय विभाग मानसून की आड़ लेकर सफाई से कन्नी काटता रहा है। पालिका प्रशासन भी तालाब में ऊपर ऊपर से जल कुंभ भी साफ कर कर्तव्य की इतिश्री कर रहा था, परंतु ताराचंद सेनी, पुष्पत राज मुनोद, आनंद भाटी, जुगल किशोर निकुम, राकेश पवार, गोवर्धन लाल गहलोत, श्याम लाल व्यास, बाल मुकुंद गहलोत, महेंद्र पालरिया, राम भजन बंसल, ताराचंद गहलोत, पंकज त्रिवेदी, विकास टाक, सुरेश ओझा, गौतम तवर, राजकुमार टाक, संतोष पिलाई के लगातार दबाव के चलते शुक्रवार को जिला कलेक्टर अंशदीप भी सिटी टैंक पहुंचे, जहां उनके साथ एसडीएम दौलतराम चौधरी, तहसीलदार दीपक सांखला, सीआई रामेश्वर लाल भाटी, ईओ विक्रम विशोई, विकास अधिकारी सुनीता परिहार, वैक्सीन प्रभारी डॉक्टर प्रताप राम सिरवी, बीसीएमओ सोहन लाल सिरवी शामिल थे। जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को अगस्त तक सिटी टैंक खाली करने के लिए निर्देश दिए, इसके बाद ही इसकी सफाई की जाएगी। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।